बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कराने तथा लॉकडाउन एवं ग्रीष्मकालीन अवधि के खाद्यान्न प्रतिपूर्ति संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने निर्देश दिए कि समस्त विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने हाथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यूनिफॉर्म के लिए जो सैंपल वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की टेक्सटाइल कमेटी द्वारा पास होगा उसी के अनुरूप ही कपड़े की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि निःशुल्क यूनिफॉर्म बच्चों के नाप के अनुरूप ही तैयार किया जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं, जिसे सत्यापन के उपरांत विद्यालयों के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हम सिलवाते थे, देखा हम पाँच छः स्कूलों में पहले नंबर सिलवाया, लोगों ने कपड़ा दिया सिलवाया, बस डिलीवर नहीं कर पाए। नहीं, अब की 1045 ले पाओगे उतने ले लो, लाख 89,000 था सब छह लाख देंगे, कैंपियन दे दिया युवका को और भी दे सकते हैं। पहली बार थे ही नहीं, पच्चीस ही है, ये चला भी गया है। अब 6 लाख बच्चे के कपड़ा, मतलब 6 लाख सेट के लिए दे सकते हैं, 3 लाख बच्चे का, दो सेट की मिल जाए। और ये देखिए सप्ले हमें समय से चाहिए, बस वही है। हाँ, सबसे कम संख्या हो रही है, इससे बड़ा यार आपका मौका मिलेगा भी नहीं अब दुकान का, बट हमें समय से चाहिए। मेरा सबसे सिल्वर टूर का 2 साल का अनुभव उसके अच्छा नहीं रहा है, 2-3 लाख लोग ज्यादा से ज्यादा संभाल पाते हैं, उसके बाद यार वो दे नहीं पाते हैं। वो इतने लोग के पास सिलाई कढ़ाई का प्रोफेशनली करने का होता है, 1,045 महिलाओं के लिए 8-10 हज़ार पार्ट नंबर होता है। 8-10 हज़ार